सबसे पहले मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ राहुल देव चौहान का, क्योंकि उन्होंने मुझे अपने चैनल पे आने का मौका दिया। तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर एक नई वीडियो में। और फ्रेंड्स, आज का वीडियो हमारा कोलैब वीडियो होने वाला है, और आज मैं आपको ऐसे बंदे से मिलवाने वाला हूँ जिनका काफी अच्छा यूट्यूब चैनल है, काफी अच्छा ग्रोइंग चैनल है, और आपको हम कुछ टिप्स बताने वाले हैं। मतलब जिसके साथ मैं कोलैब करने वाला हूँ, आप कुछ टिप्स बताएंगे, कुछ क्वेश्चंस हम करने वाले हैं अपने व्यूअर्स की तरफ से। तो वीडियो को आपको पूरा वॉच करना है, और चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, भाई के चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करना। तो चलो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। फ्रेंड, जिनसे हमारा कोलैब वीडियो होने वाला है, जिनसे मैं आज इंटरव्यू करने वाला हूँ, उनके बारे में थोड़ा डिटेल में जानने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं उनका थोड़ा बेसिक से एक छोटा सा इंट्रो लेना चाहता हूँ। बेसिकली वो करते क्या हैं, कहाँ के रहने वाले हैं। तो बंदे का नाम है, भाई का नाम है सूर्या, और जिनके चैनल का नाम है सूर्या टेक जोन, जो कानपुर के रहने वाले हैं। तो हम उनके बारे में थोड़ा जानेंगे और भाई से पूछेंगे उनकी लाइफ के बारे में। सबसे पहले मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ राहुल देव चौहान का, क्योंकि उन्होंने मुझे अपने चैनल पे आने का मौका दिया। तो सबसे पहले मैं उनको धन्यवाद कहना चाहूँगा, और आप लोग व्यूवर्स यानी कि जो आप उनके व्यूवर्स हैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि मैं उनके सामने एक कोलैबोरेट वीडियो बना रहा हूँ जो राहुल देव चौहान ने मुझे होस्टिंग पर रखा है। तो दोस्तों, आप लोग को लगता है या आप लोग को मालूम है कि जो राहुल देव चौहान है उनका चैनल है एक टेक चैनल, और वो टेक से रिलेटेड वीडियो डालते हैं, उसके अलावा वे कुछ कंटेंट डालते हैं जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स चलते हैं। तो उनके चैनल को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो आप लोग के लिए सबसे अच्छे कंटेंट लाते हैं, सबसे पहले लाते हैं, इसलिए आपको उनका सपोर्ट करना चाहिए और उनके चैनल को मेरी तरह और भी बड़े यूट्यूबर्स की तरह ग्रोथ में लाना चाहिए। हम एक छोटे यूट्यूबर हैं और आप लोग ही हमें बड़ा यूट्यूबर बना सकते हो। तो आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया राहुल देव चौहान को, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट और शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग इस वीडियो के माध्यम से लुत्फ़ उठा पाए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो को करते हैं आप स्टार्ट। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन भाई से ये है कि उन्होंने कब सोचा कि मुझे यूट्यूब चैनल बनाना चाहिए, यूट्यूब पे आना चाहिए और यूट्यूब पे अपना जो एक्सपीरियंस है वो लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। तो राहुल भाई का पहला क्वेश्चन ये है कि मैंने अपने यूट्यूब चैनल के बारे में कैसे सोचा और अपनी स्ट्रेटेजी के बारे में। तो मैं आप लोग को बता दूं कि मैं जब 11th में था, यानी कि मैं अभी इंटर में हूं, और जब मैं 11th में था यानी एक साल पहले, तो बहुत से मतलब जियो फोन सब में लॉन्च हुआ था। अब जियो फोन तो 2 साल पहले हो गए, तो जब जियो फोन लॉन्च हुआ था तो उसमें काफ़ी ज़्यादा लोग मुझसे पूछते थे कि जियो फोन में ये प्रॉब्लम आ गई, इसको सॉल्व कर दीजिए, जियो फोन की सेटिंग खराब हो गई, जियो फोन में ये ऐप वर्क नहीं कर रहा है, इस ऐप को इंस्टॉल कैसे करना है। तो मैंने बहुत से लोगों को बताने के अलावा मैंने सोचा कि मैं अपने यूट्यूब में चैनल बना दूं जियो फोन का। तो आप लोग देख सकते हो मेरा यूट्यूब चैनल में जियो फोन से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई है, जिसमें काफ़ी अच्छे व्यूज़ हैं और काफ़ी अच्छा आप लोगों ने प्यार दिया है उस वीडियो में। तो उसी से मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया था और काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते रहा और आज मैं इस मुकाम में हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोग से मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आप जो भी काम करो सबसे अच्छी मेहनत से करो, तो आप लोग को कोई भी करने से रोक नहीं सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भाई से ये है कि वो किस टाइम वीडियो को अपलोड करते हैं, अपलोड टाइमिंग क्या होते हैं, जिस टाइम उनके व्यूज अच्छे खासे उनको मिलते हैं, और क्या वो जो है स्ट्रेटेजी अपनाते हैं अपनी वीडियो के अंदर कि व्यूज ज्यादा बढ़े। तो राहुल भाई का दूसरा क्वेश्चन ये है कि मैं अपनी वीडियो किस टाइम पे अपलोड करता हूँ। तो दोस्तों, मैं आप लोग को सबसे पहले बता देना चाहूँ कि अगर आप लोग एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बनना चाहते हो या फिर कोई भी सक्सेसफुल बनना चाहते हो कुछ भी कार्य में, तो आप लोग को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है समय। तो आप लोग को एक कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, तो उसके बाद दोस्तों आप लोग को ये तय करना होता है कि हमें वीडियो को किस टाइम अपलोड करना है। तो मैं आप लोग को बता दूं कि समय सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है यूट्यूब वीडियो को रैंक कराने के लिए। अगर आप कोई भी समय मतलब 24 घंटे में कोई भी समय ले लेते हो, अगर आप एक नए यूट्यूबर हो, तो दोस्तों आप लोग को मॉर्निंग का समय बहुत ही अच्छा बेस्ट होगा। मैं भी मॉर्निंग में ही वीडियो अपलोड करता हूँ रोज़ सुबह के 8 बजे आप लोग को डेली वीडियो मिलेगी, यहाँ तक कि मैं रोज़ वीडियो अपलोड करता हूँ। कभी कभी मैं शाम को भी वीडियो अपलोड कर देता हूँ, लेकिन आपको सुबह 8 बजे वीडियो जरूर मिलेगी। अगर आप भी एक अच्छा यूट्यूबर बनना चाहते हो, तो आप लोग को एक समय तय कर लेना होगा कि हमें किस टाइम पे वीडियो अपलोड करनी है, क्योंकि वो हमारे चैनल को ग्रोथ में पहुंचाने के लिए काफी ज्यादा जरूरी होता है। इस क्वेश्चन भाई से ये है कि जितने भी वो वीडियोज एडिट करते हैं, पीसी से करते हैं या फिर अपने मोबाइल एंड्रॉइड मोबाइल से करते हैं, तो वो कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, एडिटिंग सॉफ्टवेयर कौन सा यूज करते हैं अपने मोबाइल के लिए। तो राहुल भाई का तीसरा सवाल ये है कि मैं वीडियो को अपलोड करने के लिए कौन कौन से एडिटिंग सॉफ्टवेयर का यूज़ करता हूँ। तो दोस्तों, मैं आप लोग को सिंपली बता देना चाहता हूँ कि ये कोई भी मायने नहीं रखता है कि आप लोग का एडिटिंग सॉफ्टवेयर कौन सा है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये एप्लीकेशन बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है, आप लोग कोई भी एप्लीकेशन ले लो, सारे एप्लीकेशन में कुछ ना कुछ खास जरूर होता है और आप लोग उस एप्लीकेशन से एडिटिंग कर सकते हो। बहुत से लोग तो बिना एडिटिंग के वीडियो अपलोड कर देते हैं और उनके अच्छे खासे व्यूज़ आ जाते हैं, और बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो काफ़ी अच्छे महंगे महंगे सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं और तब उनके व्यूज नहीं आते हैं। क्योंकि दोस्तों, मेन चीज होता है कंटेंट, जितना अच्छा आपका कंटेंट होगा उसी के हिसाब से आपको व्यूज मिलेंगे। जितना ज्यादा आप जो
लोग हैं उनका दिल खुश कर पाओगे, उतने ज़्यादा आपको व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स मिलते रहेंगे, आपको खूब सपोर्ट मिलेगा। तो वैसे मैं आपको बता देना चाहूँगा कि जो मैं वीडियो थंबनेल बनाता हूँ वो मैं बनाता हूँ पिक्सल लैब सॉफ्टवेयर से, और जो वीडियो एडिटिंग करता हूँ वो मैं करता हूँ काइंड मास्टर एप्लीकेशन के लिए, और कुछ वीडियो डाउनलोडिंग करता हूँ या फिर कुछ फोटो डाउनलोडिंग के लिए वीडियो डाउनलोडर का यूज़ कर देता हूँ। तो बस ये तीन एप्लीकेशन है जिसका मैं यूज़ करता हूँ, वो लोग आप लोग भी यूज़ कर सकते हो अगर आपके पास एक स्मार्टफोन है। भाई से मैं पूछना चाहूंगा, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उनके पास क्या क्या इंस्ट्रूमेंट है यूट्यूब के लिए, वो जो यूट्यूब के लिए यूज करते हैं, आप लोगों को जो इन्फॉर्मेशन वो देते हैं, एंड्रॉइड या स्मार्टफोन वो रखते हैं, वो तो बेसिकली रखते ही होंगे क्योंकि फोन के बिना तो कुछ होता ही नहीं है। तो बेसिकली वो जो इंस्ट्रूमेंट रखते हैं, DSLR रखते हैं या फिर कौन सा वो माइक यूज करते हैं, कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो गैजेट्स होते हैं वो कौन कौन से आप यूज करते हैं। तो भाई का चौथा सवाल ये है कि मैं कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करता हूँ, यानी कि दोस्तों कंटेंट बनाने के लिए मैं कौन कौन से गैजेट्स का यूज़ करता हूँ। तो मैं आप लोग को सिंपली बता देना चाहूँगा कि मेरे पास ना ही कोई PC है, ना ही मेरे पास कोई कैमरा है, DSLR वगैरह कुछ नहीं है। मेरे पास सिर्फ एक स्मार्टफोन है जो है ओप्पो का A9 सेट का, और मेरे पास एक बोया M1 माइक है दोस्तों जो देख रहे हैं इसे मैं रिकॉर्ड हो रहा है, और वीडियो भी मेरे ओप्पो A9 वाले फ़ोन से बन रही है। और साथ ही साथ दोस्तों मेरे पास एक हेडफोन है जो मैं यूज़ करता हूँ वीडियो को एडिटिंग करते समय, मतलब अभी तो लगाया नहीं क्योंकि एडिटिंग नहीं कर रहा हूं, जब एडिटिंग करता हूं तो उसको यूज करता हूं। और बाकी है मेरे पास एक छोटा सा ट्राइपॉड, बहुत पुराना है दोस्तों, इसका तो मुझे मॉडल भी याद नहीं है, पता नहीं कौन सा है, लेकिन एक छोटा सा है, 500-400 रुपए का होगा। बस मेरे पास कुछ इसी प्रकार के गैजेट्स हैं। तो भाई एक क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, जो नॉर्मली लोगों से होता है, जो व्यूअर्स से, जो हमारे व्यूअर्स आप लोगों से जो है सुनना चाहते हैं, आपका ग्रोथ करने का क्या जो है स्ट्रेटेजी आप अपनाते हो, SEO आप कैसे करते हो, वीडियो को आप रैंकिंग में कैसे लेके आते हो। अब भाई का सवाल ये है कि मैं अपने वीडियो के लिए कौन सा SEO करता हूँ, मतलब वीडियो को रैंकिंग करने के लिए क्या क्या तरीके अपनाता हूँ। तो मैं आप लोग से सबसे पहले ही बता देना चाहता हूँ कि अगर आप लोग अपनी वीडियो का SEO नहीं कर पाते हो तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप लोग को सक्सेसफुल यूट्यूबर बनना है तो सबसे पहले आपको कैटेगरी चुननी होगी। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि मेरा दोस्त ने एक चैनल बनाया टेक का, तो उसका चैनल अच्छा चल रहा है, तो सोचता हूँ कि मैं भी एक अच्छा टेक का चैनल बना देता हूँ और मेरा चैनल भी अच्छा चलने लगेगा। तो मेरा चैनल चलता नहीं और मेरे दोस्त का चैनल जो चल रहा होता है और अच्छा चलने लगता है। तो दोस्तों आप लोग किसी के देखा देखी नहीं करनी है, आपके अंदर की अपनी रुचि को पहचानना है, आप अपनी रुचि को पहचानी है, उसी के हिसाब से आप अपनी वीडियो बनाइए। सबसे कॉमन चीज़ क्या है कि आप लोग को एक ऐसा निश पकड़नी होगी, ऐसी कैटेगरी पकड़नी होगी जिसमें आप पर डे एक वीडियो या दो वीडियो बना सकते हो। तो जिसमें आप एक वीडियो पर डे बना सकते हो आपको वो कैटेगरी पसंद करनी है अपनी रुचि के हिसाब से, तो आप लोग बहुत ही अच्छे सक्सेसफुल यूट्यूबर बन जाओगे। और बाकी टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन ज़्यादा मायने नहीं रखता है, वो दोस्तों मैंने बहुत पहले भी सोचा था कि मायने रखता है, लेकिन उतना मायने नहीं रखता है। आपकी जो रुचि होती है वो उस हिसाब से मायने रखती है, आपको पेशेंस से काम लेना होगा और कंटिन्यूअली काम करना होगा दोस्तों, तो आप लोग का चैनल बहुत अच्छा ग्रो करने लगेगा। तो भाई मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है, आप जैसे यूट्यूब पे इतने लंबे टाइम से आप बने हुए, इतने अच्छा आपके सब्सक्राइबर हैं, आपने अच्छे खासे सब्सक्राइबर जो है गेन किए अपनी मेहनत से, तो आप जो है पर मंथ का कितना अर्निंग कर लेते हो, थोड़ा एस्टीमेट हमें बता दीजिए ताकि वेट हो आप लोगों से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है भाई का कि आपकी एस्टीमेटेड अर्निंग क्या होती है। तो मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ, यूट्यूब अगर एक नया यूट्यूबर होता है तो सबसे उसकी जो मन की लालसा होती है यूट्यूब में आने के बाद कि यूट्यूबर्स की इनकम क्या होती है, कितने हज़ार व्यूज पे कितना हमको पे करता है यूट्यूब। तो मैं आप लोग को बता देता हूँ, ये ज़्यादा मायने नहीं रखता है, मायने बहुत रखता है क्योंकि मेन सब लोग यही चीज़ के लिए आते हैं, लेकिन मैं आप लोग को बता दूँ अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ इनकम के लिए आते हो तो आप लोग को आना व्यर्थ है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहूँगा कि 5,000 से 4,000 से 5,000 डॉलर में, मतलब व्यू में $1 बन जाता है। तो दोस्तों पहले तो मेरा हर महीने एक मतलब $100 तो कंप्लीट हो जाता था, लेकिन अब दोस्तों लॉकडाउन के बाद आप लोग को मतलब 2 से 3 महीने लग जाते हैं $100 कंप्लीट करने में। तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिशन बढ़ गया है, तो आप लोग भी आइए और अपना चैनल ग्रो करें। तो सूर्य भाई हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है, आपका नेक्स्ट जो अचीवमेंट है वो आपका क्या है, क्या आप अचीव करना चाहते हो अपने यूट्यूब से, या फिर आप ब्लॉग पे या वेबसाइट पे आप किस पे ज्यादा फोकस करते हो, और जो नए यूट्यूबर है उनको यूट्यूब ज्वाइन करना चाहिए या फिर ब्लॉग यूज करना चाहिए, किस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैं अपना क्या अचीवमेंट करना चाहता हूँ, किस लिए आया हूँ यूट्यूब में। तो मैं आप लोग को सबसे पहले बता देना चाहता हूँ कि मैं और सिर्फ एक ही कारण से यूट्यूब में आया हूँ, दूसरों की हेल्प करने के लिए और सबको प्यार देने के लिए और सबका सपोर्ट पाने के लिए आया हूँ यूट्यूब में। लेकिन एक मेरा अचीवमेंट है जो मैं यूट्यूब में आने के बाद मैं बहुत दिनों से सोचता आया और अभी भी मेरा ये अचीवमेंट बना हुआ है कि मैं जल्दी से जल्दी 100K सब्सक्राइबर्स क्रॉस करूँ और मुझे जल्द ही जल्द सिल्वर वाला बटन मिल जाए, और उसके अलावा मैं अपना आगे चैनल ग्रो करता रहूं। तो बस एक ही मेरी ख्वाहिश है। तो सबसे लास्ट में भाई मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहूंगा, आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, तो वो प्लीज हमें बताइए, थोड़ा मोटिवेट कीजिए ताकि बंदे
आपसे मोटिवेशन ले सके और यूट्यूब पे अपना नया कदम रख सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है राहुल भाई का कि नए यूट्यूबर्स को यूट्यूब में आना चाहिए, उनको यूट्यूब ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं, और ब्लॉगर और जो वर्ल्ड प्रेस है वो कैसा है कि उनको ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि वर्ल्ड प्रेस और ब्लॉगर दोनों अलग चीज़ है और यूट्यूब अलग है। तो यूट्यूब की बात अलग है और वर्ल्ड प्रेस ब्लॉगर की बात अलग है। और रही नए यूट्यूबर की बात, तो जो लोग नए हैं यानी कि दोस्तों एक्स्ट्रा काम करते हैं, कोई लोग स्टडी करते हैं, कोई लोग जॉब्स करते हैं, कोई बिजनेस करता है, तो आप लोग को यूट्यूब में ज्वाइन होना चाहिए। अगर आप कुछ भी आता हो तो आप लोग यूट्यूब में ज्वाइन होकर अच्छे अच्छे कंटेंट्स अपलोड कर सकते हो और लोगों का मन खुश करके थोड़ी सी इनकम जनरेट कर सकते हो। क्वेश्चन है भाई का कि मैं आप लोग के व्यूवर्स को यानी कि अपने फैमिली के व्यूवर्स को क्या संदेश, क्या मैसेज देना चाहता हूँ। तो मैं आप लोग को बस इतना ही मैसेज देना चाहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ मेहनत करो, पेशेंस करो और दोस्तों फल की इच्छा मत करो। यानी कि आप लोग वीडियो बनाओ, कंटेंट्स अच्छे से अच्छे बनाओ और अच्छे से अच्छे लोगों का रिस्पेक्ट करो और जितने भी ट्रेंडिंग टॉपिक्स है उसमें ज़्यादा फोकस करो क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा वीडियो वायरल होने के चांसेस होते हैं। तो उसमें मेहनत करो और जितना भी परिणाम है, रिजल्ट्स है, वो आप लोग ऊपर वाले पे छोड़ दो, वो आप लोग को काफ़ी अच्छा रिजल्ट दे देगा। तो दोस्तों यही थी बस छोटी सी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, राहुल देव चौहान मेरे भाई का, बड़े भाई का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, शेयर करो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। फ्रेंड्स कैसा लगा आज का हमारा इंटरव्यू? भाई के चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्यादा से ज्यादा भाई के चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे ही आपको नए नए इंटरव्यूज मिलते रहेंगे बड़े बड़े यूट्यूबरों के साथ। तो फ्रेंड्स भाई के चैनल का लिंक नीचे मिल जाएगा, सपोर्ट करें। मेरे चैनल का भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, वहां भी जाकर मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, शेयर करें इस वीडियो को और बने रहे हमारे साथ नेक्स्ट। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।